हेलो चिल्ड्रन, कैन यू सी द पैटर्न चैप्टर से अब हम कुछ और पैटर्न को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं नंबर्स एंड नंबर्स ये लिखा है, और जो इक्वेशंस दी है यहाँ पर, यहाँ तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इक्वल टू का साइन देखते हैं और उस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है और राइट में भी कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी लेफ्ट साइड में इक्वल टू के नंबर हैं उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में हम LHS, इसको ऐसे लिख बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट साइड में होते हैं हमारे इक्वल टू के, तो वो कहलाते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को शॉर्ट में RHS इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड तो ये वाली हो गई बच्चों, और राइट हैंड साइड ये हो वाली है, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब हम ये देखते हैं, जब इक्वल टू का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड की जो नंबर्स हैं वो ही राइट हैंड साइड में आने चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि 37 इधर है तो यहाँ पर 37 दोनों तरफ हो गया। सिमिलरली 19 जो है वो 19 भी यहाँ पर दोनों साइड में है, और ये 24 भी दोनों साइड में है, और सबके बीच में प्लस का साइन है। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो नंबर जो आएगा लास्ट में प्लस करने के बाद वो सेम ही आएगा, क्योंकि नंबर जो है वो सेम ही ऐड हो रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि हम पहले किस नंबर को ऐड कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 1 + 2 इज़ इक्वल टू होते हैं 2 + 1, मतलब ये हुआ कि 1 + 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 3 आएगा, और 2 + 1 करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो हमें ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले 1 लिखा है बाद में 2 लिखा है, दोनों को प्लस करना है तो पहले 2 भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम आना है। इसी वजह से यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और यहाँ पर भी सेम आएगा क्योंकि नंबर सेम है। यही पैटर्न हम सेकंड वाले में देख रहे हैं, 600 लेफ्ट में है तो राइट में भी है, 120 लेफ्ट में है तो ये राइट में भी है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 215 दिया है तो ये राइट हैंड साइड में भी, यानी नंबर जो है वो सेम है, तभी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है। नंबर अगर सेम नहीं होंगे, सम करने के बाद लेफ्ट में कुछ और आएगा, राइट में कुछ और आएगा, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए नीचे कुछ सम्स दिए हैं, उनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करके ठीक करना है। अब तो यहाँ पर 14 तो देख रहे हैं बच्चे, अब इधर भी 14 आ गया है, केवल दो नंबर बचे हैं 34 और 22, जो कि राइट हैंड साइड में हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। तो हमें इनको यहाँ पर फिल करना है बस। 20 इधर है तो उसको इधर भी करना पड़ेगा सर्कल के अंदर, और 34 हमको यहाँ पर ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है चिल्ड्रन, इस तरह से बनाना है। अब बी पार्ट, इस बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, यही रूल फॉलो करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही नंबर दिया है ये, और राइट में ये दो नंबर दिए हैं जो कि लेफ्ट में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इधर बना जाएगा 65, इसको बना दीजिए रोमबस में 80 भी नहीं है इधर लेफ्ट में, तो इधर 80 बन जाए, ठीक है। और ये हेक्सागन के अंदर है तो इसका हेक्सागन आपको इसी तरह से बनाना है, कलर भी ब्लू कर देना है। अब राइट में भी बीच में ब्लैंक है तो यहाँ पर इधर लेफ्ट वाला है 42 आ जाएगा। देखो तो अब दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो गई हैं, तो ये फ्लावर जो है आप ऐसे ही इधर बना देंगे, ठीक है चिल्ड्रन, इस तरह से फ्लावर बना देंगे 5 पेडल्स वाला। तो ये इस तरह से नंबर्स हमको ध्यान रखने हैं, जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आप पार्ट सी, ये आप खुद कर सकते हैं चिल्ड्रन। पार्ट डी में देखिए कोई भी नंबर नहीं दिया, ना तो लेफ्ट हैंड में दिया है और ना ही राइट हैंड साइड में दिया है, तो आप कोई भी 3 नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और वही तीनों नंबर आपको राइट हैंड साइड में रखना है। बस आप उनका प्लेस चेंज कर सकते हैं,
यानी अगर ये नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसको आप सेकंड पे भी ला सकते हैं या थर्ड में ला सकते हैं, प्लेस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर जो है तीनों साइड में वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये था पैटर्न इन नंबर्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर आज कैलेंडर मैजिक। ये देखिए कैलेंडर मैजिक में आपको ये समझा देता हूँ कि क्या है क्या। तो इसके लिए हमको किसी भी मंथ का ये कैलेंडर लेना पड़ता है। ये हमने किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का, कोई भी कैलेंडर आप ले सकते हैं, किसी भी ईयर का कोई सा भी मंथ। तो उसमें अगर हम इस तरह से एक स्क्वायर बनाते हैं तो इस स्क्वायर में 9 नंबर्स आ रहे हैं टोटल। ये स्क्वायर आप कहीं पर भी बना सकते हैं, है ना। तो ये जब स्क्वायर बनेगा जिसमें 3 तो रो हैं, 1 2 3, ये 3 रो कहलाती हैं, और इसके बाद ये 3 कॉलम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल इस तरह से इसमें 9 नंबर्स हैं। तो आप कहीं पर भी ये स्क्वायर बना सकते हैं 9 नंबर्स का इस कैलेंडर के अंदर, है ना। जैसे इन्होंने यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया है, 4 5 10 11 12 17 18 19, ये नंबर लिए हैं। आप ये स्क्वायर इस तरह से भी बना सकते हैं, ये देखो स्क्वायर बन गया 9 नंबर्स का। तो ये स्क्वायर आप कहीं पर भी किसी तरह से बना सकते हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 9 नंबर्स आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर, इनका टोटल कितना होगा। तो हम जनरली क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, है ना। तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन इसका कुछ मेथड है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे हमको प्लस करने के लिए इन सबको ऐड नहीं करना पड़ेगा। हम बिना इन सबको ऐड करे भी इनका सम निकाल सकते हैं। कैसे, तो जो भी स्क्वायर बना होगा उसमें हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं वो क्या है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा नंबर है 3 3। तो इस 3 में हम अपनी तरफ से 8 ऐड करेंगे, 3 + 8 होता है 11। तो 8 ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 × 9 कितना होता है, 99। तो यही आंसर हो गया, यही सम है इन 9 नंबर्स, जो 9 नंबर्स हैं स्क्वायर के अंदर, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 99 आएगा। तो ये एक रूल है, मैं फिर से इसको आपको बताता हूँ क्या कैसे हमने इसका सम निकाला। इस स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर देखना है वो कौन सा है, तो इस स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर है 3। उस सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर में हमको 8 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, सभी में 8 ऐड करना है, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 3, उसमें 8 ऐड किया 11 आ गया, उस 11 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है। 8 ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई करनी है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही सम होगा इन 9 नंबर्स का। एक मेथड तो ये है, और जो अभी मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ ये इससे भी ज़्यादा आसान है। ये क्या है, हमको ये देखना है स्क्वायर के सेंटर में कौन सा नंबर लिखा है। यहाँ पर लिखा है 11, ठीक है, बस इसी को 9 से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी लिखा है जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 99 आ गया है। तो 99 इन 9 नंबर्स का सम हो जाएगा। तो ये पजल्स बन जाएगी, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये खेल सकते हैं, कि अपने ब्रदर से पूछ सकते हैं इसका सम बताइए कितना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं एक और स्क्वायर लेता हूँ, इसमें हम यहाँ पर एक स्क्वायर और बनाते हैं, और आप अपनी इच्छा से कोई भी स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, 12 13 14 19 20 21 26 27 28। तो मुझे बताना है कि इन 9 नंबर्स का सम कितना होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो मेथड थे, तो सेकंड वाला बहुत इजी है, तो इसमें बीच में क्या है 20, इस 20 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये तो सबको आता है, तो ये हो गया 180। तो इन सब का आंसर होगा, सम करेंगे तो हम 180, है ना। ये तो एक सेकेंड मेथड था, 180 जिसके अकॉर्डिंग आंसर आया। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट मेथड था, वो देखते हैं क्या था वो फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड था ये जो स्क्वायर हमने लिया था, इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है जो कि है 12, ठीक है 12। तो इस 12 में क्या करते थे हम, 8 ऐड करते थे, 8 ऐड करने के बाद हो गया 20, और जो ऐड करके आता था उसकी 9 से मल्टीप्लाई करते थे वो, ये भी 180 आ रहा है। तो दोनों तरह से 180 आ रहा है, तो ईजी कौन सा है, सेंटर वाला नंबर ले लेना है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो इन 9 नंबर्स का जो सम होगा वो होगा 180। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरह से आप अपनी इच्छा से कितने भी स्क्वायर बना सकते हैं और उनका सम आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं पज़ल के तौर पर, और उन्हीं को बोले कि आप स्क्वायर बनाइए, चले देखते हैं हम आप इसको जल्दी सोल्व करते हैं या मैं जल्दी सोल्व करता हूँ। तो आप कंपटीशन करके आप इसमें विन कर सकते हैं इस कंपटीशन को। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।